है ना। मैं ये कहता हूं इकोनॉमिक मेल्टडाउन इज द मेजर डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड। ये कोरोना मारेगा नहीं जितना घसीटेगा। 2% फर्टिलिटी है ऑनली रेट, फर्टिलिटी रेट इज ऑनली 2%। ठीक है, 100 में से सिर्फ 2 आदमी मर सकते हैं, बाकी सब अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर करके उससे लड़ लेंगे और ठीक हो जाएंगे। मगर ये इकोनॉमिकली मुझे आपको पूरी दुनिया को इस वक्त शदीद बोहरान में लेकर के आ सकता है, और दैट इज व्हाट हैपनिंग। मैं पिछले 2 हफ्ते से चिल्ला रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लोएस्ट लेवल, कराची स्टॉक एक्सचेंज बॉटम आउट, परखचे उड़ गए मार्केटों के, पूरी दुनिया की मार्केटें टूट रही हैं। इंडिया, चाइना, न्यूयॉर्क, यूके, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, सेंसेक्स, हर मार्केट तबाह बर्बाद। कमोडिटी प्राइसेस टूट गई, ऑयल प्राइसेस ड्रास्टिकली लो। एक तो रशिया और सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल प्राइस वॉर की वजह से, अब उस ऑयल प्राइस वॉर को कोई देख ही नहीं रहा क्योंकि कंजम्पशन ही खत्म हो गई। मैं 4 दिन से गाड़ी नहीं निकाल रहा हूं, 1 दिन निकाली थी, किसी करीबी तक गया, करीबी इलाके तक गया था और कुछ चीजें खरीद के लेके आ गया था। आई एम नॉट टेकिंग माई कार आउट, सेम एज यू पीपल। तो भाई इस वक्त अगर 15 रुपए कम करोगे, तुम 50 रुपए भी कम कर दोगे तो मैं पेट्रोल डालाने कहां जाऊंगा, मुझे निकलना ही नहीं है सड़क के ऊपर। सो सप्लाई डिमांड खत्म हो गई, मार्केट से डिमांड खत्म हो, यू अंडरस्टैंड। सो जब डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर तो प्राइसेस कैसे सस्टेन करेगी। दुनिया की मार्केटें इसलिए गिर रही हैं कि लोगों को जान बचाने के लाले पड़ गए हैं, वो अपनी जिंदगी की फिक्र करें, अपने खाने पीने की फिक्र करें, अपने आप को लॉकडाउन करें, या शेयर खरीदें, या गोल्ड खरीदें, या एसेट्स खरीदें, या प्रॉपर्टीज खरीदें, या बॉन्ड्स खरीदें। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन दिस सिनेरियो। यस, मार्केट्स आर ओपन। आज भी कराची स्टॉक एक्सचेंज खुली हुई है, 400 पॉइंट प्लस थी, अभी भी 250-300 पॉइंट प्लस है शायद। इस सिचुएशन में मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट भी दिखाता हूं अभी। इस सिचुएशन में जबकि मार्केटें खुल रही हैं, तो जाहिर है बायर कोई थोड़ी आएगा। अब हुआ क्या कि सेफ हेवन क्या होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, कैश इज किंग। व्हाट? कैश इज किंग। पीपल यूज टू सेल देयर एसेट्स एंड होल्ड कैश। वो कैश होल्ड इसलिए करते हैं कि इससे हम अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर लेंगे। अब जब ऐसी सिनेरियो में आता है तो उनके लिए जो कैश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इन्फ्लेशन से भी उनको के अगेंस्ट भी जो है ना उनको हेज करे, वो होता है US डॉलर। That's why US डॉलर 155 से 159 हुआ, 159 से 157 हुआ, 157 से आज 163 हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? इसलिए कि एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही, लॉकडाउन। ठीक है, होम रेमिटेंसेस आ रही हैं, लेकिन वो भी कम हो गई हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है। इसलिए डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है कि यार रुपए का तो कोई भरोसा नहीं है, कम से कम डॉलर जो है वो बढ़ता तो है, तो डॉलर को इस वक्त होल्डिंग कर रहे हैं लोग। 163 डॉलर इसलिए हो गया है आज। सही है, एक्सचेंज रेट पे हमारे सबसे पहले नजला गिरता है। याद रखो, जो सबसे कमजोर चीज होती है वो सबसे पहले मरती है। तो हमारा जो रुपया है ना, जिसको हम पाक रूपी कहते हैं, दिस इज द वीकेस्ट करेंसी इन दिस अर्थ। मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, थोड़ा एग्जैजरेट हो जाता है, बट इट इज द वीकेस्ट थिंग इन हेयर इन पाकिस्तान। सबसे पहले लोगों को रुपए पर से भरोसा उठता है और लोग रुपया छोड़ते हैं, डॉलर पकड़ते हैं, दूसरा उसका अल्टरनेट लेते हैं, जो कि उनको इन्फ्लेशन से भी हेज करता है और उसकी अप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। फाइन, मुझे टाइम जब खत्म होने लगे ना, 3:30 हमारी 3:45 पे क्लास खत्म होती है, तो 3:40 पे मुझे आवाज लगा देना। ओके,
क्योंकि मुझे पता है कि शायद 4 बजे से आप लोगों की दूसरी क्लास भी शुरू हो जाती है. व्हाट वी आर सेइंग कि रुपी इज द वीकेस्ट थिंग. तो लोगों का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस शटर होता है रुपए पर से. वो उसको बेचते हैं और डॉलर पकड़ते. ओके, डॉलर इज एज गुड एज कैश. ओके, तो हुआ ये सर, लेकिन महंगा भी तो हो जाता है डॉलर. तो महंगा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिमांड. मोर पीपल आर बाइंग डॉलर, दैट्स वाई डॉलर महंगा हो रहा है. आज 163 रुपए के ऊपर भी, 163 रुपीज के ऊपर भी तो कोई ना कोई खरीद रहा है ना डॉलर. उसको इसका मतलब है 170 लगता है, 180 लगता है, उसको लग रहा है ना ये. और ये हो सकता है, इट इज एमिनेंट, बिकॉज ऑल द अदर मार्केट्स आर डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑन हॉल्ट, nothing is producing in this country, nobody is consuming other than atta, dal, chawal, gosht, machli, sabzi, bas. Iske alawa kuch bhi consumption aur production nahi hai. Main is waqt J dot ki 23 march ki sale mein ja karke 23% discount pe kameez shalwar khareedunga, ya aap ja karke is waqt Sana Safinaz ki sale pe 40% sale pe koi cheez khareedengi is waqt? Who will allow you to go out and take and buy something? Aap even online bhi nahi khareedoge, theek hai? To naturally kya consumption drastically down ho gayi. Ab wo kya kare? Wo abhi 70% sale bhi laga dega to main to nahi khareedta bhai kapde. Isliye ki main zyada zaruri samajhta hu ki mere ghar mein 10 kilo aata mazeed ho. Main zyada zaruri samjhunga ki mere ghar mein bachchon ke liye extra dawai ho. Main zyada samjhunga ki mere bachchon ke liye doodh ho. मैं ज्यादा समझूंगा कि मैं बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर फोकस करूंगा. अब इस सिचुएशन में डिफॉल्ट लाइक सिचुएशंस भी होंगी. बैंक का मेरा कर्जा है, गाड़ी लीज पर है, बैंक से कर्जा लिया हुआ है, बैंक का पैसे की रीपेमेंट करनी है. अब बैंक को मैं क्या जवाब दूं कि भाई मेरी तो प्रोडक्शन कंजम्पशन सब बंद है, दुनिया बंद है. वो कहेगी कोई बात नहीं, अगले महीने वाली किस्त में मिला करके दे दीजिएगा. भाई बैकलॉग तो जमा होता जा रहा है ना. प्राइम मिनिस्टर हैज अपील्ड कि जी 1 महीने का बिजली का बिल मत मांगिए, अगले में मांग ले करके कंपनसेट कर दीजिए. और भाई अगले महीने में कैसे दे सकूंगा? 3,000 का बिल अगर मेरा आता है तो अगले महीने तो 6,000 मुझे देने पड़ेंगे. एंड दैट मनी आई हैव टू पे. तो फ्रॉम वेयर आई विल गेट दैट मनी, जबकि मेरी अर्निंग्स खत्म होती जा रही है. ओके, अब ये सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टेकन स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू प्रिवेंट दिहाड़ीदार मजदूर जो डेली वेजर है उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने 3,000 रुपए का टोकन लगाया कि जी 3,000 रुपए हम देंगे. अच्छा, अभी तक किसी भी चीज का मैकेनिज्म और किसी भी चीज का जो है ना वो मॉडस ऑपरेंडाई डिफाइन नहीं कर रहे हैं ये लोग, बट जस्ट दे हैव अनाउंस्ड मैनी थिंग्स. ओके, अब समझे भी 200. अब मैं अब आपको पूरे पाकिस्तान इकोनॉमिक पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसको छोटा सा डिस्कस करते हैं. उसी में आपको रेट ऑफ उसका भी पता चल गया. अब मैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी इसी डिस्कशन में कवर करूंगा. फॉरेन एक्सचेंज, आपको पता चल गया कि एक्सचेंज रेट जो है ना वो प्रेशर में है, पाकिस्तानी रूपी डाउन है, लोग सेफ हेवन के तौर पे यूएसडी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, या दे आर कन्वर्टिंग देयर मनी, या दे आर कन्वर्टिंग देयर इनकम, दे आर कन्वर्टिंग देयर सेविंग्स इनटू यूएस डॉलर. ओके, किसी तरफ से भी आप पकड़ लें कान को, रुपया ढीला पड़ गया है, वीक हो रहा है, 164 रुपए, 165 रुपए हो गया. ओके, इकोनॉमिक पैकेज के अंदर 200 अरब रुपए लेबर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, यानी के टैक्स रिफंड्स ऑफ 100 बिलियन रुपीस टू बी डिसबर्स्ड इमीडिएटली. अब पाकिस्तान के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनका पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर 100 अरब रुपए से जायद चढ़ा हुआ है. गवर्नमेंट हैज टू पे बैक देम 100 बिलियन रुपीस. तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई 100 अरब रुपए इनको डिसबर्स कर दिए जाए. एक्चुअली ये एक्सपोर्ट फाइनेंस रिबेट्स थी जो एफबीआर के पास, गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है और वो मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्टर को देनी है उन्होंने. तो ये उनका कर्जा है, ये उनके पास चढ़े हुए हैं पैसे. दे आर लायबल टू पे दैट अमाउंट. सो दे हैव अनाउंस्ड टू इमीडिएटली डिसबर्स्ड 100 बिलियन पाक रुपी. ओके, ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वाले काम करें और उनको रिलीफ मिले, उनकी इंडस्ट्री में लोगों को बेरोजगार ना करें.
ये गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है अपने पल्ले से, ये उनके पैसे हैं जो वापस कर रही है. ओके, नंबर वन. नंबर टू, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स टू बी डेफर्ड एसएमई एंड एग्रीकल्चर 100 बिलियन एंड डेफर्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड कंसेशनल लोन्स ऑफ पाक रूपी 150 बिलियन फॉर पुअर पीपल फॉर 4 मिलियन. एसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स को डेफर कर दिया गया. अब एसएमई और अभी मैंने कहा ना कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, एक एसएमई हूं, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज हूं, या एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, मैंने गवर्नमेंट से लोन ले लिया हुआ है, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हुआ है, कारोबार के लिए लोन लिया है, उस पर मुझे कहा गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट डेफर कर दिया गया है. इट इज नॉट येट कैंसल्ड, मुझे डेफर कर दिया गया है, अगले महीनों में मुझे उसकी पेमेंट देनी है और मुझे नए कंसेशनल लोन्स अलाउ कर रही है गवर्नमेंट. ओके, 3,000 रुपए होमलेस को देंगे पैसा, ठीक है. एवरी होमलेस शुड गेट 3,000 रुपीज पर मंथ. ओके जी, दूसरी बात यह है कि 50 अरब रुपए का एडिशनल फंड दिया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर्स को, ताकि वो माल खरीद सके, आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, ये सब बुनियादी जरूरत की चीजें ले सके और वो यूटिलिटी बिल्स में रियायती कीमत पर आवाम को बेचे. वीट की प्रोक्यूरमेंट के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं. अब वीट इज द बेसिक नेसेसिटी, फाइन, वीट की प्रोक्यूरमेंट के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं. ओके, ताकि वो काश्तकार से, जमींदार से वीट से खरीदा जाए, गवर्नमेंट रियायती रकमों पर खरीदे और उसको आवाम तक पहुंचाए. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की कीमतों में 15 रुपए पर लीटर की डिडक्शन कर दी गई है. इन्होंने हातिम ताई की कब्र पे हाथ पांव मार दिया. अबे इंटरनेशनल प्राइसेस ड्रास्टिकली डाउन, $22 क्रूड ऑयल, और ये 15 रुपए कम कर रहे हैं, 117 रुपए, 113 रुपए से इन्होंने 15 रुपए, आज 100 रुपए भाव कर दिया पेट्रोल का. इनको 30 रुपए कम करने चाहिए थे कम अज कम, इनको टैक्सेस खत्म करने चाहिए थे ऑयल कंपनीज के ऊपर से, मगर गवर्नमेंट का अपना खर्चा कैसे चलेगा अगर टैक्सेस खत्म कर देंगे तो उन्होंने बहुत कम कम किया. लोगों को बहुत लग रहा है 15 रुपए, या 15 रुपए बहुत घट गया. अब कंपेयर इट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, देयर इज नो पैरिटी एट ऑल. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है पेट्रोल $46 से $22 पर आ गया है, इट वेंट एज लो एज $19, अभी भी 20, 21, $22 के अराउंड में हूवर कर रहा है, और हमने फकत 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए कम करके बहुत बड़ा एहसान किया इस कॉम के ऊपर. अगर पेट्रोलियम की कीमतें मजीद कम होंगी तो नेचुरली इसका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा अभी तक, कि नेपरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम क्यों नहीं की अभी तक, गैस की प्राइसेस अभी तक कम क्यों नहीं हुई. तो गवर्नमेंट शुड अनाउंस ड्रेस्टिक डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस, ताकि इंडस्ट्री की गैस और बिजली सस्ती हो और डोमेस्टिक यूजर्स की भी बिजली और गैस सस्ती हो. ओके, व्हाट आई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 50 बिलियन रुपीस के मेडिकल वर्कर को और इक्विपमेंट्स के लिए हम पैसा देंगे और टैक्स रिड्यूस करेंगे फूड आइटम्स में, जिसमें 100 बिलियन रुपीज की फॉर इमरजेंसी सिचुएशन अलग से पैसा रखा गया है. अब अगर आपको कोई कोरोना किट मंगानी है, आपको वेंटिलेटर मंगाना है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट मंगाना है, इंपोर्ट करना है दुनिया से, उस पर टैक्स वो कम कर दिया है या कहीं कहीं पे एबॉलिश भी कर दिया, फाइन. उसके अलावा 25 अरब रुपए उन्होंने एनडीएमए के लिए रखा है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ किट्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो किट्स लेकर के खरीदने के लिए. अभी रिसेंटली कल 5 लाख किट आपको बताया जैक मा ने भेजा है, ठीक है, अमार प्लीज म्यूट करो, अमार प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अच्छा, तो व्हाट हैपेंड कि गवर्नमेंट ने अभी कल जो है आपको पता चला कि 500,000 किट्स जो है वो आई है और अलीबाबा के जैक मा ने वो डोनेट किया है, तो सिंध गवर्नमेंट के पास वो आया है, 2 लाख सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, 3 लाख दीगर सूबे में उसने डिस्ट्रीब्यूट करवाया. लास्ट एंड द मेजर थिंग
what government has done for economic activity is drastically declined the benchmark interest rate. Previously, we had 13.25 interest rate. Last monetary policy, 2 hafte pehle jo announced hui, uske andar unhone 75 basis point kam kiye. So the interest rate was 12.5%. ठीक है, उस पर कोई खातिर खा कमी नहीं की थी उन्होंने, उन्होंने बहुत मामूली सी कमी की थी इंटरेस्ट रेट का. वो फोर्सी नहीं कर रहे थे क्या हालात को, 2 हफ्ते पहले वो फोर्सी नहीं कर रहे थे कि सिचुएशन कितनी वर्स हो सकती है. दे शुड हैव डिक्रीज्ड एट दैट टाइम 150 बेसिस पॉइंट बट दे डिडंट डू इट. अल्टीमेटली इमरजेंसी एमपी मीटिंग हुई, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई डे बिफोर यस्टरडे एंड दे हैव डिसाइडेड टू फर्दर 150 basis point cut in interest rate. Now the interest rate is 11%. ठीक है, अब interest rate उन्होंने कम क्यों किया? Interest rate उन्होंने कम इसलिए किया कि जो fiscal deficit में हमें 500 से 600 अरब रुपए की बचत होगी इस 3% के कम होने से. It is almost 2.25% decrease from the high level. 13.25 से अब interest rate 11% पर आ गया है, तो 2.25% की जो कमी हुई है उससे तकरीबन 500-600 अरब रुपए का fiscal deficit कम होगा. ये 500-600 अरब रुपए को government public के ऊपर, corona के victims के ऊपर, emergency situation के ऊपर, relief के ऊपर खर्च कर सकती है. ओके, यस, देयर इज स्टिल रूम इन द इंटरेस्ट रेट. इट कैन गो टू बिलो 10%. सिंगल यूनिट में भी आ सकता है ये. अगर ये मजीद 11% से 1% और कम कर देते हैं, 10% कम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा, और गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसे जनरेट होंगे जो कि वो रिलीफ में खर्च कर सकती है. दिस is the situation of economy, that is the economic measures government of Pakistan has taken to relieve the people, to relieve the industry, to relieve the banking sector. Emergency situation, khuda na khasta, god forbid, if the things worsen, further worst situation ki taraf agar hum jate hain, lockdown complete ho jata hai, कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाता है, जो कि रेजिस्ट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, के दिहाड़ीदार मजदूर मर जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो कैसे जिंदगी चलेगी. वो रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता आ जाती है तो हम कहां स्टैंड करेंगे. मारा मारी की सिचुएशन आ जाएगी. इंग्लैंड में यही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है. वो महज़ब कौम है, डेवलप्ड नेशन है, लेकिन अनाज जिसको नहीं मिलेगा वो छीन लेगा, एक वक्त आएगा. ठीक है, ये सिचुएशन बहुत खौफनाक हो सकती है. यहां तो पब्लिक इस हालत में भी घूम फिर रही है मजे से, कहीं इधर जा रही है, मजहबी रिलीजियस प्रोसेशंस में शरीक हो रही है, चाय खानों में बैठी हुई है, डब्बू खेल रही है पब्लिक. इधर समोसे की दुकान अगर 2 घंटे के लिए खुल जाए तो 100 आदमी खड़ा हो जाता है समोसे खरीदने के लिए उसके पास. यार ये तो हाल है हमारा. अभी भी इंडस्ट्रीज जो के बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं है, एसेंशियल इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां खुली हुई हैं, वहां लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसेज खुले हुए हैं, वहां 100-100 लोग, 50-50 लोग जमा हो रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर. दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन. अब गवर्नमेंट किसको किसको पकड़ के बोलेगी कि घर जाओ. अब वो मुर्गे बना रही है, अब फाइन करना शुरू करेंगे. यूएस यूके के अंदर 1,000 पाउंड का जुर्माना है अगर आप गैर जरूरी बाहर निकलेंगे तो. आर नॉट इन अ गुड शेप मैन. ओके, अब वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ठीक है, इट इज नॉट न्यू फॉर अस, ये मैं बता दूं, हम बहुत स्ट्रांग नेशन है. ठीक है, क्या हमारे पास नाज नखरे नहीं है यूरोपियन वाले, हमें कोई फिकर फाका नहीं है उनकी तरह, हम बहुत सख्त जान लोग हैं. अब मैं आपको बताऊं कैसे. लेट्स हैव द, मैंने आपको बहुत डार्क पिक्चर दिखाई, आइए अब मैं आपको अच्छी बातें बताता हूं. उनको गवर्नमेंट हर चीज की फैसिलिटी देती है, यूके को, अमेरिका को, कनाडा को, की गवर्नमेंट, ओके, यूरोपियन गवर्नमेंट्स देती है उनकी हेल्थ की फैसिलिटी, उनकी फलाही फैसिलिटीज, उनके बच्चों की फीस, उनको
जॉबलेस के ऊपर उनको पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट उनको बहुत फैसिलिटेट करती है, तो उनकी आदतें खराब है, वो हर चीज एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, वो जो काम करते हैं उसका उनको बेहतर मुआवजा मिलता है, चाहे वो आवरली वेजेस पे काम करते हैं या मंथली बेसिस पे काम करते हैं, उनको अच्छा मुआवजा मिलता है, दे हैव गुड रेम्यूनरेशन, दैट्स हाउ दे आर लिविंग पीसफुली, उनको क्वालिटी लिविंग गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनसे टैक्सेस लेती है, उनके मेडिकल इंश्योरेंसेस लेती है, लेकिन उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है, उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज देती है, उनको स्कूलिंग देती है, उनको क्वालिटी ऑफ पीसफुल लिविंग एनवायरमेंट गवर्नमेंट क्रिएट करके देती है, उनकी सड़कें अच्छी हैं। हम थोड़ी देर में टाइम खत्म हो जाएगा तो विल एंड द सेशन, ठीक है, फिर हम बात करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ी सी, अभी 10 मिनट बाकी है, ओके, आफ्टर 10 मिनट्स वी विल एंड अप आवर डिस्कशन। व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर देयर, दे यूज टू ऑफ क्वालिटी लिविंग, उनका एनवायरमेंट क्लीन है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज है, उनकी सड़कों पर मारदाड़ नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स नहीं है, क्वालिटी पीसफुल लिविंग उनको मिलती है। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट वी आर फेसिंग, वी हैव बीन फेसिंग अ टफ लाइफ, हमको ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे घर बिजली नहीं आती कभी कभी, अब आने लगी है, लेकिन पिछले सालों में कहां आती थी बिजली बताओ, दो दो घंटे की लोड शेडिंग होती थी चाहे किसी भी इलाके में आप रहते हो। हमको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अगर आप पड़िए बीमार आगा खान में भी चले जाएंगे तो आपको लाखों रुपए का बिल भी देना पड़ेगा, और उसके अलावा वो भी जो कंडीशंस हैं वहां की वो नॉट अप टू द मार्क हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पर नहीं है, और खुदा ना खास्ता इफ यू आर नॉट केपेबल इनफ तो आप जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो पड़िए अगर बीमार तो कोई चारा घर नहीं, सड़कों पर पड़े रहते हैं लोग, इतना बुरा हाल है पाकिस्तान। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर में निकल जाइए, गड्ढे, गटर, पानी, सीवरेज, बिल्कुल एक जंगल है मुल्क हमारा, कोई सेंस नहीं। अब हमको जब कोई फैसिलिटी नहीं है, अच्छा आ जाइए, फूड क्वालिटी फूड है क्या ना, मतलब वो जो होता है क्या नाम है ऑयल, जिस ऑयल में समोसे तले जाते हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, जो फूड हम खाते हैं, जो चिकन हम खाते हैं इवन, ठीक है, जो चीजें हम खाते हैं क्या वो अप टू द मार्क हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बन सक खा सकते हैं वो, हमने खाया पिया, हमको लॉ एंड ऑर्डर हम फेस करते रहे, हमने बम धमाके देखे इस मुल्क के अंदर, हमने कर्फ्यू देखे इस शहर के अंदर, हमने इस शहर में हड़तालें देखी, हमने इस शहर के अंदर जो है ना बेपनाह रोजाना 50-50 लोगों की लाशें गिरती भी देखी है हमने इस शहर के अंदर, इस शहर को जलते हुए देखा है, तो वी आर बॉर्न इन दिस एनवायरमेंट, हम सब कुछ सह चुके हैं, देख चुके हैं और देख रहे हैं, इवन आपकी जनरेशन ने बहुत कम देखा है तो भी देखा है, आपको मुझ जैसा आदमी कहानियां सुनाता है खौफनाक, तो भाई हम तो तैयार हैं, हमारे लिए तो कोई इशू ही नहीं है, इशू है उनके लिए जिनको हर चीज फैसिलिटेट हो रही थी। आप पॉजिटिवली अगर देखें चीजें तो हमें वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को मेजर ये लेना पड़ेगा कि वो आइसोलेट करे टेस्टेड लोगों को और मजीद टेस्टिंग करे, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सही है, सही हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जिस कंट्री में रहते हैं हमारे रिलीजियस बिलीव्स हमें ये स्ट्रेंथन करते हैं कि इट्स ऑल अप फ्रॉम द गॉड, ठीक है, ये आसमानी आफत है, ये बला है, ये एक वबा है, ये सब खत्म हो सकती है, हमारे जज्बे मजबूत होते हैं। इस सिचुएशन में आपकी 35, 40, 43 की स्टूडेंट्स की क्लास है, ये 43 स्टूडेंट्स के अंदर एक लड़का ऐसा है जो कि इस वक्त बाहर है, वो इस वक्त क्लास में नहीं बैठा हुआ है, वो इस वक्त बाहर है, ट्रक लोड करा रहा है और उन लोगों को डेली वेजर्स के और गरीबों के घरों में राशन पहुंचा रहा है। हम तो ऐसे लोग हैं भाई, ठीक है, तो इंशाल्लाह विल सर्वाइव,
उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज थी ही नहीं, ठीक है, तो हम तो सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। सो विश यू ऑल द बेस्ट यार।